नमस्कार, मारी पाकशाला में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी, जो न्यू मॉम्स के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही बच्चे और बड़ों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। पंजीरी में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इससे हमारे शरीर को विटामिन्स भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें एक चम्मच देसी घी डाल देते हैं। एक कटोरी बादाम और एक कटोरी काजू लिए हैं, इन्हें डालकर रोस्ट कर लेते हैं। लगातार चलाते हुए इन्हें रोस्ट कर लेते हैं, इससे इनमें जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और ये क्रंची हो जाएंगे। काजू बादाम रोस्ट हो गए हैं, इन्हें बोल में निकाल लेते हैं। अब आधी कटोरी अखरोट डालकर रोस्ट कर लेते हैं। अखरोट हमारे ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए इन्हें पढ़ने वाले बच्चों को जरूर खिलाएं। अखरोट रोस्ट हो गए हैं, इन्हें भी काजू बादाम के साथ ही निकाल लेते हैं। अब आधी कटोरी पिस्ता डालकर रोस्ट कर लेते हैं। पिस्ता भी रोस्ट हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं। अब आधी कटोरी किशमिश और चौथाई कटोरी काली किशमिश डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, ताकि एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। किशमिश को अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब खरबूजे के बीज डालकर इन्हें फूलने तक रोस्ट कर लेते हैं। ये भी रोस्ट हो गए हैं, इन्हें किशमिश के साथ ही निकाल देते हैं। कढ़ाई को साफ करके फिर से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें फिर से देसी घी डाल देते हैं। मैं एक कटोरी गोंद ले रही हूँ। एक दो दाने गोंद के डालकर घी चेक कर लेते हैं। गोंद डालते ही ऊपर आ गया है, इसका मतलब घी गर्म हो गया है। हमें मीडियम गर्म घी ही चाहिए। अब गोंद को कढ़ाई में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। एक साथ डाल देने से गोंद चिपक जाएगा। गोंद अच्छा फूल गया है, इसे निकालकर प्लेट में डाल देते हैं। मैं आधा गोंद इस प्लेट में और आधा गोंद बॉल में डाल रही हूँ। ये गोंद भी फ्राई हो गया है, इसे बॉल में निकाल देते हैं। अब कढ़ाई में दो चम्मच घी और डाल देते हैं। मैं एक बॉल गेहूं का आटा ले रही हूँ, इसे डालकर मिक्स कर लेते हैं। घी थोड़ा कम लग रहा है तो और डाल देते हैं। घी आवश्यकता अनुसार ही डालें। अब लगातार चलाते हुए आटे को सुनहरा होने तक भून लेते हैं। यह थोड़ा दरदरा पिसा हुआ आटा है, आप इसकी जगह सूजी भी यूज कर सकते हैं। आटे को लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनें, ताकि आटा एक बराबर भून जाए। तेज आंच पर कुछ आटा जल जाएगा और कुछ दाने कच्चे रह जाएंगे। आटा भूनकर सुनहरे रंग का हो गया है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और 2-3 मिनट तक आटे को ऐसे ही चलाते रहेंगे, ताकि नीचे से जले नहीं। ड्राई फ्रूट्स भी ठंडे हो गए हैं। बॉल वाले ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी जार में डालकर इनका दरदरा पाउडर बना लेते हैं। इस पाउडर को आटे में मिक्स कर लेते हैं। अब जिस बोल से आटा लिया था उसी आटे के बराबर पीस कर चीनी ली है, इसे भी डालकर मिक्स कर लेते हैं। मीठा कम ज्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब इस पंजीरी को आधा बोल में निकाल देते हैं। और प्लेट में जो किशमिश, खरबूजे के बीज और गोंद रखा था वो डालकर मिक्स कर लेते हैं। खाते वक्त जब ये मुंह में आएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब बाकी का मिक्सचर भी निकाल देते हैं। बचे हुए ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देते हैं।
मैंने थोड़े से रोस्ट किए हुए काजू बादाम रख लिए थे, इन्हें ऊपर से डाल देते हैं। पंजीरी बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है और गोंद के लड्डू से थोड़ी डिफरेंट होती है। गोंद के लड्डू की रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।